बोकारो दिनभर में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर बोकारो सिविल सर्जन ने क्या जानकारियां दी बताएंगे। गुटखा गैंग ने चलाया मास्क पहनो और मास्क वितरण अभियान, इसकी भी बात करेंगे। बाल अधिकार संरक्षण को लेकर आर प्रसाद शैक्षणिक संस्थान ने क्या कदम उठाए जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिनभर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, सेल SC ST एम्प्लॉय फेडरेशन की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई यह भी बताएंगे। जिले के मौसम का हाल भी जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। राजस्थान में गैस लीक के चलते घर में विस्फोट, 3 लोगों की मौत। किसान आंदोलन का आज 114वां दिन। यूरोपीय देशों में AstraZeneca को क्लीन चिट। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 39,726 नए मामले, 154 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 25,833 नए मामले, 58 की मौत। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 641 अंक और निफ्टी 186 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 210 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। राज्य में 166 वेटनरी डॉक्टरों की जाएगी नियुक्ति। JPSC की ओर से 16 अप्रैल 2021 तक मांगे गए आवेदन। जमशेदपुर के गालूडीह में झारखंड का पहला वाटर पार्क विरसा फन सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट का हुआ उद्घाटन। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 97 नए मामले सामने आए, वही 72 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। जिले के सभी पंचायतों में कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम आने वाले 20 मार्च यानी कि शनिवार से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर आज बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस रखने का एक ही मकसद है कि कोरोना का जो दूसरा वेव, जो आप हर जगह देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाया हुआ है, और वास्तव में हम लोगों को भी अब ये भय सता रहा है कि दूसरा जो वेव है वो एकदम बिल्कुल दस्तक दे रहा है, क्योंकि केस बढ़ना शुरू हो गया है। और केस बढ़ रहा है तो हम लोगों को उसी तरह से अपना तैयारी भी करना है ताकि हम लोग इसको रोक सकें। और इसको रोकने के लिए ही ये जो अभियान हम लोग चला रहे हैं उसका एक पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट जो है वैक्सीन वाला उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बचाव वाला पार्ट है, कि हमको मास्क लगाना है, हमें हाथ बार बार धोना है साबुन पानी से, और 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और मास्क तो नितांत ही आवश्यक है। सभी लोगों से मेरा अपील रहेगा कि मास्क लगाकर ही घूमें, ये उनका सुरक्षा का पहला कवच है। और जो दूसरा कवच है वो हम लोग वैक्सीन का, वो वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स अभी भी कम है। अभी 60 साल से ऊपर के हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो है टारगेट है 2 लाख से ऊपर, और अभी तक जो हुआ है 10,000-12,000 पर हम लोग अटके हुए हैं। तो सरकार इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सोची कि इस कैसे हम लोग सुदूर क्षेत्रों में जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास साधन नहीं है, वो टाउन आके वैक्सीन नहीं ले सकते हैं या CHC ब्लॉक हेडक्वार्टर में आके नहीं ले सकते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है इसीलिए आया कि पंचायत में जा कर के दिया जाए। और पंचायत में हम लोग कल से कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जो सुबह 9 बजे शुरू होगा, शाम 5 बजे तक सभी पंचायत में 6 दिनों के अंदर हम लोग बारी बारी से एक एक दिन अभी रखे हैं, फिर जैसा ज़रूरत होगा और भी कैंपेन चलेगा। तो मेरा पब्लिक से, जनता से यहाँ बोकारो के यही अनुरोध है कि इस मौका का लाभ उठावे, और जो कोरोना यहाँ पर विकराल रूप से आने की संभावना बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जो सुरक्षा का उपाय बताया गया है उसको फॉलो करें, और वैक्सीन ज़रूर से लें जो 60 से ऊपर हैं या 45 से ऊपर, जिनको और भी 20 तरह के बीमारी के बारे में बताया गया है जिसमें कॉमन है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या किसी भी तरह का हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, तो इस तरह के जो रोग हैं वो अपना पर्ची लेकर के आवे, और पर्ची के साथ वैक्सीन नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर पर जाकर और वैक्सीन ले। इसके अलावा ये जो कैंपेन चल रहा है, मेरा रूटीन वैक्सीनेशन हर CHC में और हेल्थ सेंटर वगैरह में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में
और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी चल रहा है, तो आप लोग इस कैंपेन के अलावा भी जो बच जाए वो वहाँ ले सकते हैं और वो चालू रहेगा। तो यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वैक्सीनेशन अपना टीका लें जो कि बिल्कुल मुफ्त है, कि हम लोग इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखे हैं विभिन्न डिपार्टमेंटों से, जैसे एडुकेशन भी इन्वॉल्व है इस अभियान में, ICDS भी इन्वॉल्व है और JSPL स्वयं सहायता समूह जो है उनको ज़्यादा जवाबदेही दी गई है और हमारी सहिया आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सबों को इन्वॉल्व किया गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंटर पर लाकर उनका टीकाकरण किया जा सके। 6 दिन है अभी हमारा हो रहा है, 20-21 फिर 22 को नहीं होगा, 23-24 फिर 25 को नहीं होगा, 26-27 और इसमें हमारे जितने 250 पंचायत हैं उन 250 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में एक एक दिन उसको टेबल बनाया गया है रोस्टर, उस हिसाब से इसमें टीकाकरण किया जाएगा। हम लोगों ने उन्हें छूट दे रखा है कि जहां पर जो भी अच्छा बिल्डिंग है जिसमें कि सारा मापदंडों को पूरा किया जा सके कि ताकि वेटिंग एरिया हो, वहां बैठने की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, ऐसे जगह को वो चुन सकते हैं, चाहे वो स्कूल का बिल्डिंग हो, पंचायत भवन हो या किसी भी तरह का सरकारी बिल्डिंग हो। गुटका गैंग ने आज मास्क पहनो और मास्क वितरण अभियान चास मेन रोड, चेक पोस्ट, महावीर चौक, धर्मशाला चौक और बाईपास रोड में चलाया, जहां गुटका गैंग ने लोगों के बीच मास्क वितरण किया और लोगों को मास्क पहनने की अपील की। बच्चों के अधिकारों, बच्चों के कानूनों, बच्चों से जुड़ी सभी मुद्दों को लेकर आज आर प्रसाद शैक्षणिक संस्थान ने बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान चास प्रखंड के अलग अलग जगहों पर चलाया, जहां पर बच्चों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया गया। थाना को, जिला प्रशासन को बाद में सूचना मिलती है, लेकिन गाँव के लोग अगर समृद्ध हो और जाने कि हमको बाल विवाह नहीं करना है तो इस तरह की घटना नहीं होगी। अगर गांव में कहीं बाल विवाह हो रहा है तो कम से कम गांव के नागरिक होने के नाते आप जो है 1098 को फोन करते हैं, आप घर से फोन कीजिए, आपकी जो है बिल्कुल सूचना जो है आपकी गोपनीय रखी जाएगी। सरकार के तरफ से स्पॉन्सरशिप योजना चलती है, 2000 रुपए प्रति माह उसको गवर्नमेंट देती है, तो कोई वैसा बच्चा जिसके माता पिता जीवित नहीं है, अगर वो अपने किसी आश्रित पर वो रहता है, अपने चाचा दादा दादी इस पे टिका हुआ है, तो वैसे बच्चे के लिए यहाँ के जो लोग हैं, आप यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनके नाम लेटर बनाएं, लिखें और लिखें कि इनको, इस बच्चे को हमको स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 2000 रुपया जो प्रति माह मिलता है वो इनको दिलवाया जाए, उसमें उसके परिवार का BPL कार्ड, उसका सारा चीज, ताकि कल को वो फिर अपने अधिकारी से पुष्टि करवाएंगे जांचोपरांत। सेल SC ST एम्प्लॉयज फेडरेशन बोकारो यूनिट की एक बैठक गुरुवार को BSL के हॉट स्ट्रिप मिल में किया गया, जिसमें शंकर लोहार को हॉट स्ट्रिप मिल विभाग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बैठक के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों को हो रहे समस्याओं से फेडरेशन के अध्यक्ष MK अभिमन्यु को अवगत कराया गया। इस पर फेडरेशन के अध्यक्ष MK अभिमन्यु ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए निरंतर हम लोगों को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलकर ही इस देश और समाज का कल्याण हो सकता है, इसलिए हम लोगों को निरंतर पूरे प्लांट में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 8 नए मामले सामने आए, वहीं 6 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1063 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में गुरुवार को कुल 1547 लोगों को COVID-19 टीका लगाया गया। दिव्यांग छात्र छात्राओं को सहायक उपकरण देने के लिए 16 मार्च से 18 मार्च 2021 तक झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो और LMCO भुवनेश्वर के सहयोग से कई प्रखंडों के विद्यालयों में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन गुरुवार को हो गया। इसी क्रम में 16 मार्च को मध्य विद्यालय SBS चास में आयोजित शिविर में प्रखंड चास चंदन क्यारी और जेरीडी के कुल 88 छात्र छात्राएं, 17 मार्च को बैरमो प्रखंड में आयोजित शिविर में प्रखंड नावाडी चंद्रपुरा और बैरमो के
48 छात्र छात्राएं और 18 मार्च को पेटरवार प्रखंड में आयोजित शिविर में प्रखंड पेटरवार, गोमिया और कसमार के कुल 50 दिव्यांग छात्र छात्राओं का जांच किया गया। अब दूसरे चरण में दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता के आधार पर उन्हें उपकरण दिए जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एक्शन रिसर्च पर गुरुवार को विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में धनबाद विभाग की ओर से एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विद्या भारती विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 2A के प्रिंसिपल दिनेश कुमार मिश्रा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिसर्च मानव प्रोग्रेस का बेस्ट साधन है, हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर करना ही रिसर्च वर्क है, और उन्होंने एक्शन रिसर्च के चारों प्रकारों की भी जानकारी दी। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार को रवि चौबे ने पहली बार पश्चिमी सिंहभूम का दौरा किया, जहां उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। इसी दौरान गोवा माइंस के यूथ इंटक के द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान बोकारो स्टील वर्कर यूनियन के उपाध्यक्ष दिलबाग सिंह ने संबोधित करते हुए रवि चौबे को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दी और आशीर्वाद दिया। वहीं रवि चौबे ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी यूथ इंटक के कार्यकर्ता ईमानदारी से अपना काम करें और संगठन को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाएं। आने वाले एक महीने में सभी यूथ इंटक के सदस्यों को मजदूरों के बीच कैसे काम किया जाए और कैसे मजदूरों की समस्या का समाधान किया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। BSL प्लांट में CE मार्क सर्टिफिकेशन का चौथा सर्विलेंस ऑडिट हुआ। प्लांट के HR प्रोडक्ट्स को यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट के लिए प्रतिष्ठित CE मार्क सर्टिफिकेशन का चौथा सर्विलेंस ऑडिट मेसर्स TUV इंडिया के ऑडिटर संजय शर्मा ने सफलतापूर्वक किया। ऑडिट का शुरुआत RCL में उद्घाटन बैठक के साथ हुई। उसके बाद संजय शर्मा ने RCL, SMS2, CCS, हॉट स्ट्रिप मिल और HRCF डिपार्टमेंट्स का इस सर्टिफिकेशन के लिए ऑडिट किया। हमारे कार्यक्रम शहर आपका के स्वास्थ्य संबंधी श्रृंखला में हम आपको जिले के अलग अलग अस्पतालों में मिल रही सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य सुविधाओं के बारे में बताया करते हैं, ताकि आपको आपके आसपास के अस्पतालों की पूरी और सही जानकारी मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में सेक्टर 4 के मदर केयर में किस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध है, यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएँ देते हैं इत्यादि, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम माँ का केयर करती मदर केयर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में गर्मी में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। आज भी सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और दिन चढ़ते ही लोगों ने कड़ी धूप का सामना किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मुलाकात होगी 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।